see or look up a to find square root of complex numbers. जैसे हम लोग real numbers के square root निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार से complex numbers के भी root square root कैसे निकालेंगे? ठीक है? क्योंकि हमको सीधे समझते हैं question की सहायता से. तो मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 4i. ठीक है, तो मान लेते हैं 3 + 4i. हाँ, पहली बात तो यहाँ पर हम कहें कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का भी स्क्वायर रूट क्या है? ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, क्योंकि आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर से ऊपर कोई एक नया नंबर पढ़ा नहीं है. तो फिर हम मान लेते हैं कि जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 4i. ठीक है, आइए ध्यान रहे यहाँ पर जब आप बोल रहे हैं कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इसका स्क्वायर रूट है, तो x और y पर क्या कंडीशन होनी चाहिए? ऑब्वियसली x एंड y मस्ट बी रियल्स. x और y कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकते. जब आप बोल रहे हो कि x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में 3 + 4i का स्क्वायर रूट आ रहा है, तो फिर आप बोलेंगे कि x एंड y मस्ट बी रियल्स. ठीक है, तो दैट इज कि x प्लस आई वाई बराबर कैसे मिला होगा 3 + 4i का स्क्वायर रूट करें होंगे. अब ये रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ऑब्वियसली दोनों तरफ का स्क्वायरिंग करना पड़ेगा. सो स्क्वायरिंग दोनों साइड का हम लोगों ने करा यहाँ पर, तो x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 + 4i, रूट गायब हो गया. नाउ इसको स्क्वायर किया, x स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 i x y इज इक्वल टू 3 + 4i. ठीक है, तो i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस i टाइम्स 2 x y इज इक्वल टू 3 + 4i. अब क्या करें, इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ऐसा हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं कंपेयरिंग रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स फ्रॉम बोथ साइड्स. सो वी गेट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर रियल पार्ट इधर का है और इधर रियल पार्ट 3, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया 3, पॉजिटिव इक्वेशन उसको बोल दिया. एंड 2 x y इमेजिनरी पार्ट इधर को है, इधर को इमेजिनरी पार्ट 4 है, तो 2 x y इक्वल टू 4 सेकंड इक्वेशन. ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन से हम बोल सकते हैं 2 को डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर बराबर 2 हो गया, वाई कितना आ गया 2/x. एक्चुअली वी हैव टू फाइंड एक्स एंड वाई, मतलब वी हैव टू फाइंड टू अननोन्स एक्स एंड वाई, मतलब हमें कितने इक्वेशन चाहिए था, 2 इक्वेशन चाहिए था, वो हमें मिल चुका है. ठीक है, इसीलिए तो y बराबर 2 x हो गया. इसको पुट कर दो फर्स्ट में, तो x स्क्वायर माइनस y की वैल्यू 2 x, 2 स्क्वायर 4 x, 4 x² इज इक्वल टू 3, x टू पावर 4 माइनस 4 इज इक्वल अपॉन x स्क्वायर, तो ये जाएगा कैंसिल ड्राइव जाएगा, ये हो गया. अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए सब कुछ ध्यान रखा है, x की पावर 4 को हम बोल सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3 x² माइनस 4 बराबर 0. अच्छा, अब देखिए x स्क्वायर को अगर आप दिमाग में समझिए t, तो लिखा हुआ है t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 बराबर 0. मतलब यह किसमें क्वाड्रेटिक है? ऐसे आप बोलते हैं, मान लो खाली लिखा होता है यहाँ पर t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 बराबर 0, तो बोलते हैं दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वेरिएबल t. तो ये किसमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है? एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है ये. ठीक है, हमने क्या किया था, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो 1 × -4 - 4 - 4 के दो फैक्टर्स फाइंड करो, इधर सम ऑफ -3 है, तो -4 और +1 हो गया. x^4 - 4x² + x^2 - 4 = 0. फैक्टराइज किया, हमको ये मिला. दिस इंप्लाइज या तो यह 0 होगा चाहे यह 0 होगा, तो डायरेक्ट हमने कर दिया, तो उसको लिखा नहीं है. तो जब यह 0 होगा तो x^2 = 4 हो जाएगा, तो x कितना आ गया +-2. अच्छा, जब ये 0 होगा तो x^2 आएगा -1, यानी x√-1. ये क्या आ गया? ये तो कॉम्प्लेक्स में आ गया, बट ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x और y दोनों क्या थे, रियल. हमने पहले ही बोला था यहाँ पर x एंड y मस्ट बी रियल्स. ओके, तो हमें आप यहां से जो x मिलेगा उसको हम छोड़ देंगे, तो हमें बस x कहां से मिला, यहां से मिला क्या, +2 और -2. ठीक है, अब इसके लिए y क्या है वो निकाल लेते हैं. तो वेन x इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू, पुट कर दिया यहां पर, निकल गया -2 y निकल गया, तो आपका क्या क्या कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, 2 पर y की वैल्यू 1, तो 2 + i मतलब 1 × y
and minus 2 पर minus 1 तो minus 2 minus i that is इसका स्क्वायर कितना आया तो 2 plus i minus 2 minus i ये काम करो minus minus यहाँ पे तो ले लो यहाँ पे plus तो plus minus 2 plus i हो गया आंसर ठीक है वैसे हो गया एक और बात बोले आप यहाँ पर जान लो कि क्वेश्चन 2 यहाँ पर बोला था हमने कारण है क्योंकि आपके बुक में क्या करा होगा बुक में कुछ ऐसे करता है जो कि आप पूछोगे इसलिए पहले बोल रहे हैं क्यों देखिए 2xy जो ऊपर आया है ना तो आप कह सकते हो आप एक काम करो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर निकालो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर पता है 3 तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 x स्क्वायर y स्क्वायर ऐसा कर सकते हैं ना ऐसा कर सकते हैं तो आप ओपन करेंगे अरे ऐसे समझिए ना x स्क्वायर को आप a समझ लीजिए y स्क्वायर को आप b समझ लीजिए तो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4 ab बोल सकते हैं बिल्कुल बोल सकते हैं तो फिर आपका ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर ये कितना आया इसका होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 x स्क्वायर y स्क्वायर और 2xy जब 4 है तो इसका जब स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा 5 और 16 पर 16 तो ये कितना हो गया 25 दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना आया प्लस 5 और माइनस 5 ठीक है तो आपको ये थर्ड इक्वेशन मिल गया ठीक है थर्ड मिल गया फर्स्ट और थर्ड एक्चुअली थर्ड एंड फोर मिला प्लस फाइव लेंगे तो थर्ड और माइनस फाइव लेंगे तो फोर तो अब क्या करो पहला और तीसरा को सॉल्व करो एक्स वाई फाइंड करो जोड़ना आसान हो जाएगा सॉल्व करना आसान हो जाएगा इसीलिए ऐसा किया गया है माइनस माइनस का प्लस वाई से कैंसिल हो गया ऐसा हो गया फिर वन और आप फोर्थ को सॉल्व कर लेना ऐसे ही लेकिन आप लोग मुझे लग रहा है कि ये आप लोग के करने लायक है नहीं सिंपल ये लग रहा है सिंपली कर लिया जिसको समझ आएगा वो करेगा ऐसे कोई दिक्कत नहीं है जिसको समझ आएगा वो कर रहा हो करेगा करेगा पर हमने बता दिया कि हाँ ये कैसे हुआ है तो उस पर ऐसा बोल सकते हो बस वो चीज यूज किया है बुक में आपके ओके बाकी क्वेश्चन आप लगाइए तो आप इस तरह से देखा जाए ये चैप्टर कंप्लीट हुआ और भी इसमें बहुत सारी बातें हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी तो अभी तो आपका सिलेबस ऐसे ही बहुत ज्यादा रिड्यूस हुआ है ना तो उसमें हम और एक्स्ट्रा चीज पढ़ाएंगे सिलेबस ऐसे ही पूरा नहीं हो पाएगा क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी है उसके बाद डिमेवर्स थ्योरम है ये सब चीजें अभी हम नहीं बोलेंगे ठीक है तो आपका चैप्टर जो एनसीईआरटी में है जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया हालांकि आपका सिलेबस से भी ज्यादा पढ़ा दिया गया है इसमें बाकी क्वेश्चन लगाइए आप इस पर पूछिए ओके थैंक यू